इस मंदिर से जुड़े हैं कई रहस्यमय राज जानकर हैरान हो जाएंगे आप। शक्ति के आगे मुगलों ने टेक दिए थे घुटने, कई बार हो चुके हैं चमत्कार। आज भी अनसुलझे हैं इस मंदिर के रहस्य, वैज्ञानिक भी हुए हैं हैरान। राजस्थान के करौली देवी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में उनकी छोटी बहन करौली देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार चंबल की करौली मंदिर का निर्माण करते समय मुगल साम्राज्य ने यहाँ की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की थी। उन्होंने मंदिर पर हमला करके मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मूर्ति अचानक गायब हो गई और एक कुआं में पहुंच गई थी। मुगल साम्राज्य ने मूर्ति की खोज के लिए कई दिन तक प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आज उस मूर्ति को पवई वाली माता के नाम से भिंड जिले में पूजा जाता है। भिंड जिले के पवई वाली माता के मंदिर का इतिहास वास्तव में रहस्यों से भरा है। यह क्षेत्र 11वीं सदी से अस्तित्व में आया था और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के वंशजों ने यहाँ पवई वाली माता के मंदिर की स्थापना की थी। माता करौली की छोटी बहन के रूप में पूजनीय माता की प्रतिमा को खंडित करने के लिए मुगल शासक इसे देखने आए थे। यह घटना मुगलों के और इस मंदिर के बीच एक रोचक चर्चा का विषय बनी थी। मुगल शासकों ने पूरे मंदिर को छान मारा था, लेकिन माता की प्रतिमा नहीं मिली थी। इसके बाद कहा जाता है कि माता रानी ने कुएं में छलांग लगा दी थी और इसके बाद पुजारी को भविष्यवाणी हुई कि माता की प्रतिमा कुएं में है। इसके बाद प्रतिमा को कुएं से बाहर निकाला गया था। आज भी वहां एक मंदिर है जहां से माता रानी की वह घटना घटी थी जब उन्होंने कुएं में छलांग लगाई थी। पवई वाली माता मंदिर को करौली राजस्थान की केला देवी की छोटी बहन माना जाता है। यहाँ की पवई वाली माता के दर्शन की महत्वपूर्णता का आदान प्रदान किया जाता और कहा जाता है कि राजस्थान की करौली देवी माता के दर्शन के बाद भिंड की पवई वाली माता के दर्शन न करने पर यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ की मूर्ति और राजस्थान केला देवी की मूर्ति काफ़ी मिलती है और इसी कारण इनको केला देवी की छोटी बहन कहा जाता है। यह लोगों के दिलों में पवई वाली माता का मंदिर महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि कई साल पहले एक भक्त ने अपनी जीव मंदिर में अर्पण की थी, जो एक भक्तिपूर्ण क्रिया थी। इस क्रिया के बाद देवी ने उसके सपने में प्रकट होकर इसकी स्वास्थ्य को चमत्कारी रूप से सुधारा। इस घटना के बाद से मंदिर के चमत्कारी और रहस्यमय दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर अनगिनत लोगों को आकर्षित करता है, जो इसे चमत्कारी शक्तियों और आशीर्वादों की जगह मानते हैं।